हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द रॉयल श्रीवास्तव में। आज हम आपके साथ चना लौकी दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इस चने की दाल को हम लौकी के साथ बनाएंगे, तो जो लोग लौकी नहीं पसंद करते हैं वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम एक लौकी ले लेंगे और उसे छील लेंगे, इस तरीके से उसके छिलके को उतार लेंगे। हमारी लौकी ज़्यादा बड़ी थी साइज़ में, इसीलिए हम उसका आधी का ही इस्तेमाल कर लेंगे। छील लेने के बाद हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। हमने एक कटोरी दाल को पहले से ही 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और ये अच्छी तरीके से अब भीग चुकी है। अब हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले हमने लेंगे एक बड़ा प्याज और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इसमें डालेंगे 2-3 टुकड़े अदरक। इसमें 15 से 20 तक लहसुन ऐड कर लेंगे। अब हम इन मसालों को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। एक बड़ा टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च को हम चॉप करके रख लेंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच हींग ऐड कर देंगे। दाल में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें। अब हम इसमें अपना लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। चलिए, अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। तो हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पर इसकी क्वांटिटी कम ही रखेंगे क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड करने वाले हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च जो हमने पहले ही काट ली थी। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेंगे। मसाले को थोड़ा सा चलाते फिराते रहेंगे और अच्छे से पकाएंगे। अब हमारा मसाला लगभग पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कटी हुई लौकी। अब हम इसमें अपनी भीगी हुई दाल भी ऐड कर देंगे। दाल और लौकी को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लगभग 2 छोटे गिलास पानी हम इसमें डालेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 सीटी आने तक पका लेंगे। देखिए, हमारी दाल रेडी हो गई है। हमारी लौकी और चने की दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है। अगर आपने ये दाल ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर किसी को लौकी नहीं पसंद है तो उसको लौकी खिलाने का बहुत ही अच्छा आइडिया है, और बहुत ही टेस्टी वे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।